बिहार में दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था। सारण में ट्रिपल मर्डर, घर में घुसकर पिता दो बेटियों की हत्या। पुलिस ने कहा प्रेम प्रसंग का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर के पास से लगे सीसीटीवी का मिला फुटेज। वारदात की रात 10:30 से 11 बजे के बीच घर के अंदर गए थे चार लोग। कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद बाहर निकल गए थे चारों लोग। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया। चारों से पूछताछ कर रही है पुलिस। हत्याकांड के सुराग तलाशने की कोशिश। अभी तक की जांच में हुआ खुलासा। सीसीटीवी में दिखे दो लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर लिया था पैसा। एक शख्स के साथ दो दिन पहले ही कहासुनी हुई थी। जीतन सहनी के बेटे मुकेश सहनी का बयान। मामले पर सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह से हुई बातचीत। घटना पर जताया दुख, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जीतन सहनी की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव, कहा लगातार बिगड़ रही है बिहार की कानून व्यवस्था, मगर सीएम नीतीश समेत तमाम नेता खामोश। जीतन सहनी हत्याकांड पर बोले सांसद राजभूषण चौधरी, कहा सुशासन सरकार में नहीं बचेंगे अपराधी, जल्द होगा हत्याकांड का खुलासा। पुलिस अधिकारी लगातार घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर हाजीपुर में प्रदर्शन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। गाजियाबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरी करने वाला गैंग। चोरी से पहले करते थे इलाके की रेकी, ताला लगे घरों को बनाते थे निशाना, घरों के ताले तोड़कर करते थे चोरी। अनंत अंबानी की शादी में बम की धमकी देने का मामला। वडोदरा से आईटी इंजीनियर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी थी। कर्नाटक के बागलकोट में पुजारी गिरफ्तार, लोगों को दर्द से छुटकारा दिलाने के नाम पर करता था ढोंग, लोगों के ऊपर करता था कुल्हाड़ी से वार। शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में आग में झुलसी महिला की हुई मौत। महिला के बेटे ने अपनी मां को लगाई थी आग। परिवार के लोगों के साथ चल रहा था संपत्ति को लेकर विवाद। आरोपी बेटा गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। गाँव के ही एक युवक पर आरोप, बच्ची की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सोनभद्र में तेज रफ्तार टैंकर सड़क पर पलटने से ड्राइवर और क्लीनर घायल। हादसे के बाद सड़क पर डीजल की मची लूट, लोग बाल्टी और डिब्बों में डीजल भरकर ले जाते दिखे। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल तेज। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे तक चली मीटिंग में यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जेपी नड्डा से मिले। यूपी बीजेपी में चल रही मौजूदा सियासत पर अपना पक्ष रखा। सीएम योगी ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए कमर कसी है। हर सीट के लिए बनाए गए 3-3 प्रभारी मंत्रियों की बैठक आज। सूत्रों के मुताबिक जिन वजहों से लोकसभा चुनाव में हार हुई उनके काउंटर को लेकर होगी बात। सोशल मीडिया पर भी हावी रहने की बनेगी रणनीति। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, कहा हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस के फरमान को किया स्थगित, इसे निरस्त करना चाहिए। उपचुनाव में हार के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी कलह। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सबके सामने निकाली भड़ास, कहा सबसे सलाह लेने के बाद करें काम, थोपने का काम बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सभी 288 विधानसभा सीट पर लड़ने को तैयार। बैठक में कार्यकर्ताओं से लिया सभी सीटों का फीडबैक। 18 और 19 जुलाई को बीजेपी करेगी बड़ी बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमडीए के बीच 90-90 सीट पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला सामने आया है। बाकी सीटें निर्दलीयों के लिए छोड़ने की चर्चा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे दिल्ली। बजट सत्र शुरू होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राज्य की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त धन आवंटन पर जोर दिया। कर्नाटक सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का लिया है फैसला। 7 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। मूल वेतन में 27.5% की होगी बढ़ोतरी। काशी पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर कहा, मैंने मन से दिया आशीर्वाद, लेकिन मैं हूं या कोई प्रधानमंत्री हो, शरीर छोड़ने के बाद सबको देना है जवाब। उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर शंकराचार्य बोले, मुलाकात करना मेरा दायित्व है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है और उनके मन में कई बातें दबी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों पर साधा निशाना, बोले इन स्कूलों से ही शुरू हो जाता है दिमाग में जहर घोलने का काम।
कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा में कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमला कर रही है बीजेपी। मणिपुर के बाद अब त्रिपुरा को जलाने की साजिश रचने का आरोप। बजट से पहले हुई हलवा सेरेमनी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराया सभी का मुंह मीठा। बजट तैयारी करने वाले सभी कर्मचारी के प्रति आभार जताने का है आयोजन। सरकार ने नीति आयोग का किया है पुनर्गठन, बीजेपी समेत सहयोगी दलों को मिली जगह। पीएम मोदी अध्यक्ष तो सुमन बेरी बने रहेंगे उपाध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान बने पदेन सदस्य। नीति आयोग में सहयोगी दलों से जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एचडी कुमारस्वामी और चिराग पासवान को भी बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किया गया। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पर बद्री केदार मंदिर समिति का आया जवाब, कहा केदारनाथ धाम के गर्भगृह में चांदी की लेयर में 23 किलोग्राम सोना लगा है। केदारनाथ मंदिर से साल भर पहले 228 किलो सोना गायब होने का शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने लगाया है आरोप। मंदिर समिति ने सबूत देने की दी है चुनौती। भोपाल में महिला कांग्रेस की बैठक में हंगामा, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा पर सिंगरौली जिले की प्रभारी ने लगाया जूता मारने का आरोप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा पूर्वी मिदनापुर में डीआरडीओ की जमीन पर टीएमसी ने किया कब्जा। टीएमसी के नेता डरा धमका कर रंगदारी मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में गरमाया जासूसी वाला आरोप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का फोन हैक करने का आरोप। कांग्रेस ने साइबर सेल में दर्ज कराई है शिकायत। दिल्ली में बीजेपी के 5 विधायकों ने विधानसभा स्पीकर से की मुलाकात, राजधानी की समस्याओं को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। यूपी के बरेली में तौकीर रजा को नहीं मिली हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की परमिशन, तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन करवाने के बाद 5 जोड़ों के निकाह का किया था ऐलान। तौकीर रजा के बयान के बाद बरेली में माहौल गर्म, एसएसपी बोले किसी को भी शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हिंदू संगठनों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी में कथित अनियमितता पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, सीएम विष्णुदेव बोले चुनाव में वादा किया था घोटाले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के जलस्तर में इजाफा, नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी में डूबा मंदिर। शिप्रा नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात, रास्ते पानी में डूबे। बिहार में गिरा एक और पुल, अररिया के फारबिसगंज इलाके में परमान नदी पर बना ब्रिज गिरा, पानी के तेज बहाव की वजह से जल समाधि ली, 22 साल पहले हुआ था निर्माण। असम के मोरी गांव में उफान पर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ के पानी में डूबे रास्ते, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी। कर्नाटक के हासन में भारी बारिश से जलभराव, शहर की सड़कों पर भरा पानी, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना, जलभराव की वजह से रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार। केरल के कई हिस्सों में लगातार जारी है बारिश, मल्लपुरम में बारिश से जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। केरल, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात में भी भारी बारिश हो सकती है। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर, नदी किनारे से लगते इलाके में जारी हुआ अलर्ट, प्रशासन की तरफ से लोगों से एहतियात बरतने की सलाह। गोरखपुर में राप्ती नदी के जलस्तर को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है प्रशासन, जिले के 48 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, डीएम बोले जल्द जलस्तर घटने की उम्मीद। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित गांव में राशन पहुंचा रहा प्रशासन, प्रभावित गांव में खाने के पैकेट और राशन बांटे जा रहे हैं। बांधों पर नियमित रूप से की जा रही है गश्त, स्वास्थ्य जाँच के लिए 28 टीमें तैनात। पीलीभीत में लगातार बढ़ रहा है शारदा और देवहा नदी में पानी, पानी उफनने से निचले इलाकों में आई बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न, लोगों के घर में घुसा पानी, खेत भी डूबे। गुजरात में